अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। जहां भी होंगे समझ रहा हूं मैं उनके साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मैं उनके साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूं। आज का मेरा व्लॉग है यहीं से स्टार्ट हो रहा है और हमने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ जाना है। और ये देखें मेरे आगे आगे लोग जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा मसला बन गया है हमारे घर में, अस्कर भाई के घर में। तो उसी हवाले से आज गुफ्तगू भी की जा रही है, उसी हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि बहुत बड़ी चोरी हो गई है, तो अभी चेक करते हैं इधर सीसीटीवी वगैरह का चेक करते हैं। मैं बताया मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते बताया शायद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बचाते मजेदार वीडियो की जाने। लेट्स गो। ये देखें यहाँ पर ये कैमरा वगैरह लगा हुआ है, तो यहाँ से आपको वाजे नज़र आएगा बंदा जो यहाँ पर आएगा। एक मिनट रुक जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। वो हल्का सा साया नजर आते हैं। ये पुल है ना हमारे यहाँ पर, जहाँ बच्चे लोग खेलते रहते हैं ना अक्सर, ये है। अभी 2:12:21 अभी जब शो होना शुरू हो गया, 4 से 5 घंटे लगे हैं हमें इसको देखते देखते, पूरी रात देखी है हमने। किस टाइम हुई है ये, हमने टाइम ढूंढा है। अभी आएगी 24, वो आ रहा है, मैंने स्लो लगाया हुआ है, आ रहा है वो सामने आ रहा है। आ जाएगा अल्लाह खैर करेगा, इधर आके वो फिर साफ देखेगा ना। अभी हाँ आ रहा है वो सामने है ना अहमद, वो आ रहा है हल्का सा। ये असगर भाई वाली गली पर आपने गौर करना है, वो आ रहा है, ये हल्का सा साया नजर आ रहा होगा आपको। ये आएगा कितने, 2:12 और ये तकरीबन ये यहाँ पर ना 44 सेकंड पे पहुँचेगा। 44 सेकंड पे, हाँ ये 35 सेकंड हो गए ना, अभी वो आ गया है सामने। सामने आ गया केबलों के सामने। हाँ ये हल्का वाइट सा नजर आ रहा है, ये आ गया ना, ये मोबाइल के ना जहाँ पर टाइम चल रहा है वहाँ देखे, ये आ गया है अब वहां से, ये आ रहा है, आप देख लेना फेस भी आएगा, टेंशन ना ले। ये अभी आ रहा है ना अपना, कलर नहीं कैमरा तेरा, रात को ऐसे हो जाते हैं भाई, रात को ऐसे हो जाते हैं, मतलब नहीं चला हुआ था बैठक वाला यार। ये देखें जी अभी आ गया, चला मदीद वाले नजर, ये इसको थोड़ा तेज चलाया है देखो, ये आ गया, ये आ गया, चार देख नाक भी बड़ा है, ये वापस जा रहा है। ये देख एक बार फिर ट्राई करने लगे हैं और देखते हैं जी इसकी चाल चलन ऐसे छोटा करा मदीद देखते हैं। मेरा भी रिपोर्ट करा दी है, जितना भी सामान था सारा वो लिखवा लिया है, अभी पुलिस तकरीबन यहाँ पर पहुँचने वाली है। और हमने अकरम भाई को बुलाया था, आप थोड़ा चेक करें कि ये बंदा कौन है, तो फिर उनको भी पहचान में नहीं आ रहा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, इलाके का बंदा कोई ना कोई जानता ज़रूर होगा। अब ये बात है कि ऐसी चीज़ों में ना लोग छुपा लेते हैं, मतलब बताते नहीं हैं कि हम बता दें पता कौन है, फिर हमारे साथ हादसा हो जाए, हमसे लड़ें वगैरह वगैरह। तो हालांकि चेक करते हैं, इंशाल्लाह खुफिया रखा जाएगा सिस्टम सारा। और इसके बाद यहाँ तक बंदा पहुँचा, इधर तक ऐसे वहाँ से आया इधर तक पहुँचा, उसने इस गली की तसल्ली की, इसके बाद इस गली की तसल्ली की, उसे बेचारे को पता नहीं था, बेचारा बोल रहा हूँ। तो ये कैमरा लगा हुआ है सामने, ये देखें
इस कैमरे ने उसे पकड़ तो लिया है, अब रह गई बात पहचान की। तो पहचान जैसे ही पहचान होगी तो दुआ कीजिएगा कि ये बंदा हाथ लग जाए। तो पहले भी एक चोरी हुई थी, वो मोबाइल तो खैर हमारा वापस आ चुका है और वो मिला था, इधर से गया पता नहीं कहाँ, फिर कहाँ फिर कहाँ और डेरा गाजी खान तक, फिर वहाँ से उठाया था इन्होंने चोर को खानपुर पुलिस ने और यहाँ पर ले आए थे। बैकग्राउंड में आपने वीडियोस वगैरह में देखा, उस दिन जब मैं डब्बा लेके गया था वही। खैर मैं इनको अक्सर बोलता हूँ कि यार आप लाइट्स वगैरह का बंदोबस्त करें, लाइट्स बड़ी होनी चाहिए। एक यूट्यूबर की लाइफ ना बहुत ही ऐसे अजीब सी होती है, यूँ लगता है कि हैप्पी हैं, खुश हैं, बड़े VIP माहौल बनाया हुआ है, लेकिन असल में टेंशनें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जितना जितना पैसा आता जाएगा परेशानियाँ बढ़ती जाएंगी। बाकी अल्लाह पाक करम करेगा, इंशाल्लाह भी घर पहुंच गए हैं जी। आज हमने प्रोग्राम बनाया हुआ था कहीं पर जाने का, और अगर ये वाकया पेश ना होता तो शायद हम सिटी जाते आज। चलें जी, ये देखें माशाल्लाह फूल बन गए हैं, और इसके अलावा यहाँ पर तितलियाँ आजकल काफ़ी हद तक नज़र आती हैं, फ़िलहाल नहीं है, जब आएंगी तो मैं आपको दिखाऊँगा कि तितली कितनी प्यारी लगती है यहाँ पर आके। पुलिस वाले अभी होके गए हैं, यहाँ पर मौका वगैरह देखा है उन्होंने, और अभी चलना है सीधा थाने, और वहाँ पर जाकर हम टोटल जो हमारी रिपोर्ट्स है, जो भी वारदात है, कम्प्लीटली हमने वहाँ पर जाकर लिखवाना है। और अब ये हमारे इख्तियार में भी रहेगा कि हम अपना चोर खुद भी ढूंढेंगे और इसके अलावा वो भी ढूंढेंगे, मोबाइल ट्रेस पे होंगे। जैसे अहमद भाई वाला का मोबाइल मिल गया था, इंशाल्लाह ये भी मिल जाएंगे, दो हैं और इसमें IDs वगैरह होती हैं, हम चेक कर लेंगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सही हो गया, अहमद भाई तकरीबन बाइक ले गए हैं, और वहाँ पर किसी और की बाइक है। चलें जी चलते हैं और उनसे सलाह मशवरा करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ कि यह मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों का पता नहीं है, लेकिन कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ। इधर देखें, ये पड़ी है रस्सी, ठीक है, ये वाली नज़र आ रही है, और ये देखें यहाँ पर कदम रखे उसने, इधर इधर, फिर यहाँ से वो ऊपर चढ़ा है, ठीक है, ये देखें वो भी पाँव वगैरह लगे हुए हैं हल्के हल्के। अच्छा, तो यहाँ से ऊपर चढ़ के वो नीचे उतरा, नीचे उतर के फिर उसने वारदात डाल दी, और बाकी जो था ना ये रस्सी भी हमने इधर के इधर ही रहने दी है, क्योंकि वो उसने तकरीबन यहाँ से ही उसने सारा कुछ किया है। और इसके बाद ये देखें जी, यहाँ से भी पाँव वगैरह उनके लगे हुए थे इधर भी, और तकरीबन अब ये भी पता नहीं चल रहा है, वही एक था, दो थे, तीन थे, कितने थे ये भी नहीं पता चला, और नुकसान तो खैर हो गया और परेशानी भी बनती है। ये साइड देखे ना, फुल बटा फुल जंगल है, ये देखिए इधर सारे। सही, अभी चलते हैं जी आगे, और बाकी मज़ीद जो बातें हैं वो मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। प्यारे व्यूअर, कुछ ये मामला थे जी, और अभी बहुत परेशानी का सबब बन गया है। वो चले गए हैं क्या? नहीं गए अभी, मुखलिस मोबाइल का डब्बा ले गया है, पता नहीं। चले गए, चाची वाले भी चले गए, वो भी। अच्छा अच्छा, चलो जी फिर वो वापस आएंगे तो फिर मज़ीद डिटेल का पता चलेगा। फिलहाल तो यहीं तक स्टोरी है और यही कुछ है, और दुआ करें कि ये ना बंदा पहचान आ जाए, पहचान आ जाए ना, मुझे इतना यकीन है कि उधर दोनों को ट्रैक पे लगा दें। हाँ जी, वो अभी कह रहे हैं ना मोबाइल दोनों को ट्रैक पे लगा देंगे, ठीक है, और ये बंदे की भी पहचान दिखाएंगे ना बस्ती वालों को, बंदे की पहचान हो सकती है। इधर आस पास हमने ये एक चक हो गया, और इधर ये सारी धुपसड़ी हो गई, हमारा जितना भी इलाका है ना, हमने इधर सबसे पूछना है, वो वीडियो ना सबके पास होनी चाहिए, हर किसी हाँ। के मोबाइल में वो बाहर चौक पे इधर उधर हर जगह से बंदा पूछ लेता है, कभी कभी इधर भी बंदे बैठे होते हैं, उनसे भी मैं जाकर पूछ सकता हूँ कि यार इसको आपने देखा है। असल में वो शक्ल सही
कहीं से पहचान नहीं ना आती। भाई हमारे इलाके का फर्ज करो बंदा हो, हमारी बस्ती का। यूं मैं मिसाल दे देता हूँ कि हम जतोई की बात करते हैं। भाभी चाचा लाल गुजरे, खादिम फौजी गुजरे, दूर बैठा है हमसे। चाचा मंजूर गुजरे, हबीब गुजरे, आमिर गुजरे, लुकमान गुजरे, कोई भी गुजरे, हमें दिखा देंगे ये कौन है, हम फौरन बता देंगे कि ये फलां बंदा है, गुलाम नबी है, कोई भी है, पहचान आ जाता है। तो ये इलाके के बाद जो इलाके का बंदा होता है वो तो चाहे जैसा भी हो ना, वो तो आँखों से और चाल चलन से भी पहचान लेता है कि ये कौन जा रहा है। ये बात हो रही है इलाके की, शक्ल को भले छोड़ दे, उधर भी काफ़ी हद तक बेस्ट नज़र आती है शक्ल। अब जब उसका नाक वाजे नज़र आता है कि कैसा है, मूछें कैसी रखी हुई हैं, ये भी नज़र आता है हर चीज़। और जो इलाके का बंदा चाहे वो दोबारा उसे पता चल जाए, वो क्लीन शेव भी हो जाए ना, फिर भी जिसको पता होगा पता चल जाएगा कि ये कौन है। ये अभी तो मैं स्कूल से आया, इन्होंने देखा उधर खड़ा था ये बंदा, फिर उधर आया कैमरे में देखा, मुझे कहा मम्मा ये बंदा तो उधर कॉल कर रहा था, मैं अभी अभी देख के आया हूँ। बच्चों को क्या पता, ये ऐसे उसमें और रियलिटी में देखने में बहुत फर्क होता है। ये ऐसे हम नहीं कह सकते असलम भाई, है ना कि यार ये वही है, उस तरह का लगता है, वो लिबास पहना हुआ है, वही कपड़े हैं, ऐसे नहीं होता। वो चेक करना पड़ता है, तसल्ली करनी पड़ती है, उसके बाद आगे की जो भी बात होती है वो बाद में की जाती है। चलो खैर देखते हैं, वो भी दूर का नहीं है जो था, हम भी पहचान कर लेंगे इंशाल्लाह, कहीं ना कहीं से पहचान मिल जाएगी। और आपको पता है जो भी बंदा हो ना बस्ती में, ये जब हमारी वीडियोज़ वगैरह जाएंगी काफ़ी लोग देखेंगे, अब बात जब हल ये शोर मच जाता है ना, हर बंदे को पता चल जाता है, फिर वो वीडियो देखते हैं कि क्या हुआ है। वो वीडियो देखेंगे, कोई ना कोई एक बंदा आकर ज़रूर बताएगा यार इसको मैंने देखा है, क्योंकि हमारी भी तो वक्फियत है, नाई बैठे हैं, सारे नाई भी हमें जानते हैं। जो अगर इलाके का बंदा है, मैं कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा कि मैं जाऊँगा नहीं हूँ नाई जितने भी बैठे हैं उनके पास। असलम भाई जितना भी बंदा तेज़ हो नाई के पास जाता है, जितने भी नाई बैठे हैं ना उनसे जाकर पूछना पड़ेगा कि ये बंदा कौन है, वहाँ से भी पता चल जाता है। अल्लाह खैर करेगा, आखिर दुनिया में वो काम तो करता होगा। चलें जी चलते हैं अभी वापस, और मज़ीद जो भी डिटेल होगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और सब भाइयों के व्लॉग्स वगैरह भी आप देखेंगे उसमें भी सब होगा। तो दुआ करें कि ये बंदा मिल जाए, ये मिल जाता है ना तो फिर मज़ा आएगा। सिर्फ एक हमारी गलती है, वो ये है लाइट्स की, अगर इधर बड़ी लाइट लगी हो ना ऊपर वो उस कोने में, और ये हमारे टोटल घर वो कवर कर सकती है। मतलब इतनी तेज़ लाइट है ना, वो जो नाइट में हम जलाती हैं, कम से कम वो वहाँ तक भी बंदे को नज़र आ जाता है कि कौन सा बंदा है उसका आना। और जब वो इधर तक पहुंच जाता है ना, इधर तक, तो संभल लें कि लाइट्स पे ना ये रंगीन चलते हैं कैमरे और वाजे पता चल जाते हैं। तो अब तो हो गई है, दुआ करें कि वो हो जाए, बंदा हाथ में आ जाए, फिर आगे की हम सेफ्टी भी करेंगे इंशाल्लाह। भाई लोग चले गए हैं गाड़ी निकाल के वो थाने में, तो मज़ीद उनसे डिटेल लेंगे जब वो वापस आएँगे, देखते हैं क्या बनता है। अभी देखें ना दिन का माहौल ऐसे नज़र आता है। ये अस्कर भाई वालों की गली है, ठीक है, ये वाली, ये देखिए कंप्लीट। वो बंदा इधर तक आता है, उसके बाद फिर चला जाता है पीछे। अब दिन में ना ये जो मेरा मेरी गली नज़र आ रही है ना, ये वाला भी हो ना, तकरीबन कवर हमने टोटल किया हुआ है। बस ये है कि किस्मत, वो कहते हैं जब किस्मत ख़राब हो ऊँट ऊँट पे भी कुत्ता काट लेता है, ऐसे ना आमिर भाई, ऐसे ऐसे हुआ ऐसे। कभी खुशी होती है, कभी टेंशन बन गई, देखो कल कितना खुशी थी और आज टेंशन। टेंशन इस चीज़ की भी नहीं है कि यार अपना इतना बड़ा मतलब हादसा हो गया है, टेंशन हमें इस चीज़ की रहती है कि हमें पता चलना चाहिए कि ये सब कौन कर रहा है। हाँ जी ठीक है ना। तो दूसरी बात ये है कि जो चीज़ मतलब हमें एक तो पता चल जाएगा कि ये कौन है, हम उनको जानते होंगे, दुश्मन का पता चल जाता है कि ये दुश्मन ये फलां है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि बंदा एक्टिव होता है और हमारे नुकसान का नहीं है, वो थोड़े दिन की परेशानी होगी लेकिन अल्लाह पाक उससे ज़्यादा दे देता है। कहते हैं कि चोर की कभी बुराई नहीं होती, वो हमेशा भूखा नंगा रहता है। और जिसके हमारे एक मिसाल थी, मैं आपको सुनाऊँ, एक शख्स था, तो ये बड़ी बड़ी ही इंटरेस्ट कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ। वो ये कि
एक शख्स था वो करता था चोरियाँ, उसका एक बेटा हुआ पैदा। तो वो अपने वो बेटा जैसे कुछ बड़ा हुआ तो उस बेटे को लेकर ना वो जाया करते थे चोरी करने। एक घर था वहाँ पर नाइट में ना लाइट्स जल रही होती थी उस घर में, तो वो उसी घर में चोरियाँ करता रहा एक ही घर में, ठीक है। अब उसका जो लड़का था वो भी साथ में तो था एक की, फिर दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, ऐसे वो मतलब चोरियाँ करते रहे। उसका जब बेटा बड़ा हुआ तो तब तक उसका बाप भी थोड़ा बूढ़ा हो गया, तो घर में कुछ भी नहीं था, बैठे हुए थे। बेटे ने बाप ने कहा कि चलो जी कोई रोज़ी रोटी करते हैं, मतलब चलते हैं कि चोरी करते हैं। तो बेटे ने कहा कि बाबा कहाँ चोरी करनी है, तो उन्होंने कहा कि उसी घर में चोरी करेंगे जहाँ से करती हैं, या और घर कोई देख लेती हैं। तो बेटे ने कहा बाबा आप बैठ जाए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। उसने कहा हाँ जी बताओ। बोलता है कि मैं जब से पैदा हुआ, जब से मेरी अकल आई है, उस दिन से लेकर आज तक मैं 25-30 साल का हो गया हूँ, तो हम लगातार चोरियाँ कर रहे हैं। जिस घर से हम चोरी कर रहे हैं तो उनको देखें, उनके पास कमी नहीं है। वो देखे खा पी रहे हैं सुकून से, फिर भी सो रहे हैं, उनके पास माल मवेशी भी वैसा के वैसा है, उससे जितना हम चोरी करते हैं उससे भी ज़्यादा हो गया है। तो वो देखे ना बाबा, वो फुल बटा फुल इन्जॉयमेंट में है और सुकून से सो रहे हैं, और एक हम हैं, हमने लाखों चोरियां की हैं, लाखों के माल लूटे हैं, लेकिन हमारे घर में एक रुपया भी नहीं है। तो फिर ऐसे काम करने का फ़ायदा क्या है कि हम चोरियां करते रहें, फिर भी ऐसे ये जहान भी बर्बाद है हमारा और दूसरा जहान भी हमारा बर्बाद है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस घर में चोरी कर रहे थे उस घर को देखें, अल्लाह पाक दे रहा था, और जो चोरी कर रहे थे उनकी अपनी बुराई नहीं थी। मसला ये होता है कि सिर्फ परेशानी तो बन जाती है अब उनके मोबाइल लेकर चले गए। आपको सबको पता है कि असगर भाई के चैनल्स वगैरह भी हैं, तो उनको ये परेशानी है अगर 2 से 3 दिन 4 दिन वीडियोस नहीं जाती चैनल पे, तो काफ़ी असर पड़ता है चैनल पे, डेड होने का ख़तरा हो जाता है, और जब वीडियो नहीं डालेंगे डीमोनेटाइज होने का भी ख़तरा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से ना ये परेशानी थोड़ी सी बन जाती है, लेकिन अल्लाह पाक करम करेगा, कुछ दिन लग जाएंगे, आज का दिन भी, बाकी भी। और मैंने जैसा सोचा हुआ मैं वीडियोस निकाल के ना वो मैं अपने साथ रखूँगा, और मैं ये जाकर यहाँ पर जितनी भी करीब करीब बस्तियाँ हैं ना, मैंने सबसे जाकर पूछना है कि यार इस बंदे को कोई जानता है, ठीक है। तो जो कोई बता देगा, ख़ास कर जो नाई होते हैं ना, नाई उनको पता होता है तकरीबन। अब मेरी आदत है, मैं एक ही नाई से अपना काम करा रहा हूँ, ठीक है। पहले एक नहीं से काम कराता था, पहले इधर से कराता था, जब अब जाते हैं तो फिर ये पता नहीं कहाँ चला गया, फिर फ्लड कॉलोनी, एक ही नाई से हम शेव वगैरह कराते रहते हैं। तो बिल्कुल बंदे की एक आदत होती है, वो अलग अलग जगह पे ये अपनी शेव वगैरह ये नहीं कराता। ये बेस्ट तरीका रहेगा कि मैं जाकर हर नाई से पूछूँगा कि यार इस बंदे को जानते हो आप, ये बंदा कौन है, तो कोई ना कोई इंशाल्लाह सुराग ज़रूर मिल जाएगा, सही है। उसके बाद आगे की बातें इंशाल्लाह होती रहेंगी, फिलहाल बेस्ट ऑफ लक। यार व्यूअर, आज का जो मेरा व्लॉग है उसका तकरीबन यहीं पे एंड हो रहा है, और आज का बस व्लॉग परेशानी में ही गुजरा है, सारा परेशानी में गुजरा है। आपने सीसीटीवी में देखा होगा उस शख्स को आते हुए, फिर इधर उधर देखता है, तसल्ली करता है, फिर वापस जाता है। अगर आसपास का कोई बंदा देख रहा है, अगर इस बंदे की आपको पहचान है, तो आप हमसे रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके अगर करीब करीब वाला कोई है तो आपकी बात को, इंफॉर्मेशन को बिल्कुल हम खुफिया रखेंगे, और हम आपके साथ भी तआवुन करेंगे इसको पकड़ने के लिए ना। हम मतलब यूँ समझ लें कि आपको आपका ख़र्चा पानी मिल जाएगा अगर ये बंदा आप हमें पकड़ कर देते हैं, सिर्फ पहचान करा देंगे ये बंदा है, उसके बाद आपकी बात शो नहीं की जाएगी किसने बताया क्या किया। आसपास के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने ज़रूर बताना है हमें, और इसके अलावा आपको वाजे पता है, जो आसपास के रहने वाले वो जानते हैं कि हमारा घर किधर है, हर चीज़ का उनको पता है, तो आप हमसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं, इधर आके हमें बता भी सकते हैं, ठीक है। तो आज वाला व्लॉग आपको कैसे लगा आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। और अम्मी जान और अबू जान फ़िलहाल ऐसे ही थोड़ा परेशानी में डिस्कस कर रहे थे, तो अल्लाह पाक करम करेगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, अल्लाह पाक करम करेगा, अल्लाह खैर करेगा। देखे ना अल्लाह पाक, ये मसला है उनका, निके निके उनके बच्चे हैं, हाँ जी, हाँ थोड़ा नुकसान तो नहीं हुआ ना, 2.5-3 लाख का नुकसान तो हुआ है ना उनका, हाँ। दो मोबाइल हैं आजकल, मोबाइलों के रेट भी बढ़े हैं, 1.5 लाख का तो एक एक मोबाइल है, 3 लाख का तो मोबाइल है,
मोबाइल आजकल बहुत महंगे हैं, उसका हिसाब भी लगाया जाए तो, और कुछ कैश भी था वैलेट में, काफ़ी ज़रूरी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी बंदे के होते हैं जिसमें ATM कार्ड भी होता है और इसके बाद ID कार्ड भी है और सारा ये कुल मिला के ना काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। देखे ना वो, ये देखे ना, अब अल्लाह पाक कोई ना कोई थोड़ा थोड़ा देखे ना रास्ता निकालता है। अब वो बंदा चाहता तो वहीं से ही अपने वारदात करके चला जाता, लेकिन वो इधर आया है, कैमरे के बीच में आया है, इसका मतलब है कि वो मिलेगा हमें इंशाल्लाह। हाँ। तलाश कर लेंगे। मैंने जहन बनाया हुआ है कि मैं आसपास के जितनी भी नाई है ना जो शेव बनाते हैं, बाल बनाते हैं, हम जैसे हमारी आदत है ना, हम एक नई के पास जाते हैं हमेशा। ये सब की आदत ये होती है, वो एक ही नई के पास जाता होता है, तो जिस नई के पास ये जाता रहोगा वो झट से पहचान लेगा कि हाँ ये फलां बंदा है। हाँ। ठीक है, इधर है एक चक है, धूप से नहीं है, फ्लड क्लोनी है, जिधर जिधर भी नई बैठे। हाँ, हाँ, तलते वाला है ना कोई जैसा भी है और बाहर का का नहीं आया। हाँ, तो मैंने जाकर उनसे पूछना है, वीडियो वगैरह उनको दिखानी है, कहीं से कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आपने भी दुआ ज़रूर करनी है। तो प्यारे व्यूअर, मुझे अभी दें इजाज़त क्योंकि टाइम बहुत हो गया, तकरीबन 2 बज गई है, इससे रखने पे ना हमें 2 बज गई है। और आप मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।